a very good morning class 4 students welcome to your science class i am sangeeta here your science teacher so students as you know we are doing our chapter number 6 plants the producers so open the page number 42 there is an activity we will discuss this activity today so this activity is related to That plant needs sunlight for photosynthesis. First of all, what is photosynthesis? हमने यहाँ underline लाइन किया था. The process by which green leaves make food in the presence of sunlight is called photosynthesis. एक प्रक्रिया जिसमें ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. So, aim to show that plants need sunlight for photosynthesis. हमें ये शो करना है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा थिंग्स नीडेड आ पॉटेड प्लांट मींस हमें कोई भी प्लांट चाहिए लाइक दिस इन अ पॉट ये स्पेशली इन अ पॉट नॉट इन द ग्राउंड देन अ ब्लैक पेपर वाटर एल्कोहल आयोडीन ये सब कुछ हमें साइंस लैब में मिल जाता है ओके आयोजन ऑल दैट आयोडीन सॉल्यूशन एंड बंसन बर्नर ओके दिस इज द बंसन बर्नर ओके नाउ मेथड कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर वन और टू डेज वाटर द प्लांट रेगुलरली आपको अपने प्लांट को जिसकी अच्छी हेल्दी प्लांट होना चाहिए लीव्स होनी चाहिए उसमें बड़ी बड़ी तो उस प्लांट को आपको डार्क में रखना है मींस ऐसी जगह जहां उसको सनलाइट ना मिले अंधेरे में रखना है फॉर वन और टू डेज एंड हाँ आपको प्लांट को वाटर डेली देना है ओके okay? सनलाइट नहीं मिलेगा उसे बट वाटर डेली देना कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विद ब्लैक पेपर फिर उसमें से आफ्टर वन और टू डेज उसकी किसी भी एक लीफ को आप ब्लैक पेपर से कवर करेंगे लाइक like दिस यहाँ ब्लैक पेपर से कवर किया है ना तो ऐसे हम इसे कवर करेंगे विद ब्लैक पेपर कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर फोर फाइव आवर्स और फिर आफ्टर टू डेज आप उसको पॉट को सनलाइट में रखेंगे फॉर फोर एंड फाइव आवर्स उसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा के एक लीफ के ऊपर नाउ प्लग द लीव एंड रिमूव ब्लैक पेपर आफ्टर फोर फाइव आवर्स आप उस लीव को प्लग करेंगे तोड़ेंगे और उसका ब्लैक पेपर रिमूव कर देंगे बॉयल द लीव फर्स्ट इन वॉटर एंड सनलाइट सॉरी बॉयल द लीव फर्स्ट इन वॉटर एंड देन इन एल्कोहल सो पहले तो आप उस लीव को बॉयल करेंगे वॉटर में एंड आफ्टर दैट आप उसे बॉयल करेंगे एल्कोहल में फोर्थ स्टेप वॉश द लीफ विद कोल्ड वाटर ओके आफ्टर बॉइलिंग इन द वॉटर एंड इन द एल्कोहल आप वॉश को आप लीफ को वॉश करेंगे कोल्ड वाटर से यू विल सी दैट द लीफ हैज़ लॉस्ट इज कलर आप देखेंगे कि लीफ का कलर बिल्कुल उड़ गया है लीफ ने अपना कलर खो दिया है नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ उसके बाद आप आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स लीफ पे डालेंगे नाउ ऑब्जर्वेशन द कलर ऑफ द पोर्शन दैट वॉज नॉट कवर्ड विद ब्लैक पेपर चेंजिस टू ब्ल्यू ब्लैक लीफ का जोन सा पोर्शन हमने ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया था वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है एंड द कलर ऑफ द कलर कवर्ड पोर्शन डज नॉट चेंज और जिस पोर्शन uh, को हमने कलर कवर uh, नहीं किया था उसका कलर चेंज नहीं होता है सो so कंक्लूजन क्या निकलता है दिस शोज दैट नो स्टार्च वॉज फॉर्म इन द कवर्ड पोर्शन एज इट कुड नॉट गेट सनलाइट प्लांट की जोन सी लीफ का जो पार्ट कवर्ड था उस पार्ट को सनलाइट में रखने के बाद भी सनलाइट नहीं मिली क्योंकि वो कवर्ड था सो so वहां पे स्टार्च नहीं बना तो वहां पर स्टार्च नहीं आया लीफ के उस पार्ट में सो अनकवर्ड पोर्शन में स्टार्च नहीं फॉर्म हुआ आई I मीन mean, uh, कवर्ड पोर्शन में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ अनकवर्ड पोर्शन में स्टार्च फॉर्म हुआ बिकॉज वहां पर सनलाइट मिली सो एज इट वॉज गेटिंग सनलाइट बिकॉज उसको सनलाइट मिल रहा था लुक इस कवर्ड पोर्शन को सनलाइट नहीं मिला नहीं मिला ना तो यहां पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ जबकि यहां पर सनलाइट मिला तो यहां पर स्टार्च फॉर्म हुआ बिकॉज दिस पोर्शन इज गेटिंग सनलाइट सो स्टार्च टर्न्स द आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक स्टार्च की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन जो है ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया यहाँ पर स्टार्च है बिकॉज ये अनकवर्ड पोर्शन था तो ये ब्लू ब्लैक हो गया दस लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिन्थेसिस ओके सो जस्ट रीड द एक्टिविटी थैंक यू सो मच हैव एन आई स्टे